नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सीधी में जो बस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक स्टूडेंटों से भरी दोस्तों जो बस है वो नहर में गिर गई और उसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों की उसमें जो है जान चली गई फ्रेंड्स। लेकिन उसमें एक जो घटना, ये जो दोस्तों ये जो घटना घटित हुई थी, उसमें जिन 7 लोगों की जान जो बची है वो एक लड़की के कारण दोस्तों हुआ है। आज उन्हीं लड़की के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एमपी के सीधी में, मध्य प्रदेश के सीधी में जो मंगलवार का दिन था और जो बसंत पंचमी का जो दिन था, वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है कष्ट लेकर आया। उस दिन दोस्तों एएनएम का एग्जाम जो है सतना में होने वाला था। सीधी सीधी से जो बस थी एएनएम के स्टूडेंटों से भरी हुई, ज़्यादातर उसमें एएनएम के स्टूडेंट थे। एएनएम के स्टूडेंट से दोस्तों भरी हुई बस सीधी के आसपास एक दोस्तों एक नहर थी जो बाणसागर परियोजना से जो है निकली हुई थी। वो बस दोस्तों जो है नहर में गिर गई। नहर बिल्कुल फुल चल रही थी और बताया जा रहा है कि 1-2 घंटे तक तो दोस्तों बस तक भी नहीं दिख रही थी, लेकिन जब बाण सागर से जो है नहर में जो है पानी कम किया गया तब जो है बस दिखने लगी। लेकिन फ्रेंड्स, जिन 7 लोगों की जो है जान बची उसमें दोस्तों अहम जो रोल है, जो योगदान है, मतलब तो फ्रेंड उनका नाम है शिवरानी लोनिया। शिवरानी लोनिया दोस्तों एक लड़की है, बहुत ही छोटी है उम्र में, और उनके साथ में एक आशा बंसल भी थी और शिवरानी लोनिया के भाई भी थे। वो बता रही थी कि कुछ लोग जो है गेट खोलकर जो है निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो निकल तो गए थे लेकिन पानी में जो है बहाव इतना था कि कुछ लोग जो है बह रहे थे। जो तो बोल रही, उन्होंने बताया शिवरानी लोनिया जी ने कि मैंने जो है 2 लोगों को बचाया, फिर मेरे भाई आए दौड़कर, क्योंकि मुझे ज़्यादा बन नहीं रहा था उनको निकालना, तो मेरे भाई ने जो है 5 लोगों को बचाया और टोटल जो है 7 लोगों को जो है उन्होंने बचाया। और लेकिन उन्होंने कहा, मुझे अफसोस, एक बच्चा जो है हमारी आंखों के सामने ही जो है बह गया।